तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन लिया है, उसमें डाला है हमने नमक, साथ में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, इस सबको हम मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक रनी सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बेसन के साथ मिक्स करेंगे। पानी हम एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसके लम्स ख़त्म नहीं होंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हमें बैटर इस तरीके से तैयार करना है, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसे हम रख देते हैं साइड में। ये मैंने बॉईल आलू लिए हैं, इसे हम मैश कर लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, कोई भी आलू बड़ा सा नहीं बचना चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर और हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैगी मसाला। इस सबको हम मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगी कटा हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा जिसे मैंने दरदरा कूटा हुआ है। इस सबको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे और हथेलियों के बीच में उसकी एक छोटी सी टिक्की सी बना लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी आलू की टिक्की बना लेनी है। उसके बाद हम इसे बैटर में डालेंगे और इसे इस तरीके से पलट कर अच्छे से बैटर में डिप कर लेंगे और उसके बाद मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ऐसे ही हम सभी पकौड़ों को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है। हम इसे पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो ये जल जाएंगे और इनका कलर भी काला सा हो जाएगा, तो इसलिए हमें लो फ्लेम पे रखना है और लो फ्लेम पर हम इसे पलट पलट कर सेकेंगे। अब हम इसकी साइड फिर से चेंज कर देंगे और इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। हम इसकी साइड्स लगातार चेंज करते रहेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो बस ये जो है हमारी पकौड़े जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं वरना बेसन जला हुआ लगेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। हम बाकी बचे हुए पकौड़े भी इसी तरीके से फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे और इसे भी साइड चेंज कर 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 दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बस ये हमारे पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे हरे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। हम इसे करेंगे हरे धनिया से गार्निश और गर्मा गर्म पकौड़ों को करेंगे। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।